सुप्रभातम 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 आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम करने वाले हैं सो वर्ल्ड इकोनॉमी में वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स के बारे में बात करेंगे जो करेक्शन देखा जा रहा है यूएस मार्केट्स में उसका रीजन भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा सो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आ चुके हैं यूएस के एंड that PMI number is at 46.8 uh, in the month of July. अब ये क्या होता है PMI number? अगर ये 50 के नीचे आता है तो it means there is a contraction in the uh, in that particular activity. And अगर 50 के ऊपर जाता है तो it means expansion. So obviously 50 के ऊपर अगर ये number होता है तो it is a good thing. 50 के नीचे ये number होता है तो it is a bad thing. वैसे देखा जाएगा तो last 21 months में 20 months में ये number 50 के नीचे ही रहा है. तो अब आप बोलोगे फिर क्या चेंज क्या हुआ चेंज ये हुआ है या नेगेटिव सेंटीमेंट इसलिए ज्यादा डेवलप हुआ है कि एक्सपेक्टेशन जो था मार्केट का वो था 48.8 का और मतलब जो उसके पहले की रीडिंग आई थी जून मंथ की दैट वाज 48.5 और ये रीडिंग आने का एक्सपेक्टेशन था 48.8 बट आया एक्चुअली 46.6 इट मींस अब मार्केट इज ट्राइंग टू गेज द मूड ऑफ द इकोनॉमी एंड मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ सिचुएशन एंड दैट्स व्हाट अब वहां पे एक और एक नया डिबेट शुरू हो गया वैसे ये डे टू डे बेसिस पे नई नई चीजें यूएस मार्केट से आती रहती है बट अब नया डिबेट ये शुरू हो चुका है कि क्या यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो लेट तो नहीं हुआ रेट कट करने में अब ये नया डिबेट शुरू होने की वजह से मार्केट्स में रिएक्शन काफी निगेटिवली आ रहे हैं एंड वी आर सी डाउजो हो नजडेक हो या फिर एस एन पी फाइव हो यहां पे थोड़े डे एक दिन के हिसाब से थोड़े से करेक्शन एक परसेंट दो परसेंट इवन कहीं कहीं तीन परसेंट भी देखे जा रहे हैं सो दैट्स नॉट मतलब अगर वैसे देखा जाएगा तो मार्केट वर एक्सपेक्टिंग नेगेटिव न्यूज फ्रॉम द इकोनॉमी एंड दैट्स व्हेन द फेडरल रिजर्व विल स्टार्ट कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज फेडरल रिजर्व का मानना है कि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता हम इंटरेस्ट रेट कट नहीं करना चाहते हैं सो so, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है और ऐसा भी नहीं कि अब वो नौ दस ग्यारह परसेंट के इन्फ्लेशन के नंबर्स हम देख रहे हैं जैसे कि हमने यूरोप में देखे थे या फिर यूएस में भी आठ नौ परसेंट के इन्फ्लेशन नंबर्स देखे थे नो दैट इन्फ्लेशन नंबर इज अराउंड थ्री परसेंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट थ्री पॉइंट टू परसेंट समाइम्स टू पॉइंट नाइन परसेंट उस हिसाब से आ रहे अब ये नंबर्स वैसे देखे जाए तो मतलब अलार्मिंग लेवल के इन्फ्लेशन के नंबर्स नहीं है सो so, अब इसके बाद जो होना था दैट्स व्हाट इज हैपनिंग करेंटली कि हाई इंटरेस्ट रेट्स इज एक्चुअली किलिंग द रियल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी एंड दैट्स व्हेन जो एक सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग की जो बातें चलती थी uh, कि सॉफ्ट लैंडिंग होना चाहिए आई एम अगेन नॉट सजेस्टिंग इट इज अ हार्ड लैंडिंग एंड यूएस एस इज गोइंग इन रेसेशन आई जस्ट होप दैट वो नहीं होगा बिकॉज रेसेशन का जो पेन होता है वो तो थोड़ा सा अग्रेसिव होता है एंड दैट शुड नॉट हैपन अब यहाँ पे ये डिबेट फिर से शुरू हो गए हैं सो आई थिंक सो ये रिएक्शंस रहेंगे एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट बहुत ही ज्यादा uh, मतलब मैच्योर मार्केट मैच्योर मार्केट्स मतलब उस हिसाब से मत सोचिएगा मतलब जैसे इंडिया के मार्केट्स को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इतने अनप्रेसिडेंटेड फ्लोज देखे नहीं गए एंड दैट्स वाई मार्केट्स वैल्यूड प्रीमियमली वैल्यूड डिस्कशन आर हैपनिंग बट यूएस मार्केट्स में लिक्विडिटी वगैरह ये सारी चीजें पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू एंड ऑल थिंग्स वर क्वाइट सो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अब ये सिनारियो एक इंटरेस्टिंग मोड लेता है अब उसी का सिमिलर पैटर्न जो है भले ही थोड़ा डाउन पैटर्न इंडिया में भी हो सकता है आने वाले समय में आई एम नॉट डिनाइंग दैट मतलब अगर हम आ, अपना गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आज जो मतलब कल जो आ, यूएस के मार्केट्स गिरे हैं वो वो उसका नतीजा सामने नजर आ आ रहा है और आज भी मार्केट्स उस पेन में शुरू हो सकते हैं दो आई डोंट नो कि मार्केट एंड तक क्या होगा क्या नहीं होगा बट आई थिंक ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट यू के इकोनॉमी में डेवलप हो रहा है और उसी का नतीजा है कि यू मार्केट्स पर इम्पैक्ट हो रहा है बट जिसका हमें इंतज़ार था वो जिसे गोइंग डाउन बिलो फोर परसेंट सो दैट नंबर इज देयर नाउ सो यूएस टेन इिस इज बिलो फोर परसेंट नाउ मतलब वी आर वेटिंग फॉर दैट मतलब जब ऊपर जाते थे तो मार्केट गिरता था अब येल्ड शार्पली नीचे आ रहे तो मार्केट गिर रहा है एंड दैट्स हाउ मार्केट्स रिएक्ट अब US के बारे में बात हो गई हाँ इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आ, अपना जो पॉलिसी रेट है वो पॉइंट टू फाइव परसेंट से डिक्रीज किए हैं सो सिक्सटीन ईयर हाई लेवल पे जो फाइव पॉइंट टू फाइव परसेंट का पॉलिसी रेट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रखा था अब नाउ फर्स्ट कट वहां पर हो गया है फ्रॉम 5.25 टू परसेंट टू 5 परसेंट और ये यूनानिमस डिसीजन नहीं था नौ पॉलिसी मेंबर्स जो है पॉलिसी मेकर्स जो है उसमें से पांच लोगों ने बोला कि यस रेट कट होना चाहिए और चार लोग अभी भी उसके अगेंस्ट थे तो ये आ, मतलब वहां पे डिबेट अभी भी चल रहा है कि नहीं नहीं हम थोड़ा सा ज्यादा ही जल्दी ये कॉल ले रहे हैं शायद वी शुड वेट एक्चुअली इन्फ्लेशन के नंबर सस्टेन लेवल पे हमारी कंफर्टेबल रेंज के अंदर होनी चाहिए तो ही हमने ये रेट कट uh, करनी चाहिए ये डिस्कशंस उन्हीं के बीच में हो रहा है बट नाउ दिस टाइम मेजोरिटी बोल रहा है कि भाई चलो रेट कट कर देते हैं सो आई थिंक सो इन अ वे आई थिंक दिस इज द ट्रेंड ऑल ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स विल फॉलो इंडिया का जो रहेगा मुझे ऐसा लगता है दिस इज माय रीडिंग कि शायद आ, और थोड़ा हम समय लेंगे मतलब बाकी लोग करने के बाद शायद एक या दो क्वार्टर के बाद इंडिया में रेट कट्स हो सकते हैं बिकॉज रेट कट इज एन एम्यूनिशन ऑफ द सेंट्रल बैंक सो वो ऐसे ही उसको गवा न, गवाया नहीं करेंगे दे विल वेट कि भाई मतलब जैसे इंडिया में ेशन के साथ साथ जीडीपी के नंबर्स पे भी फोकस किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अगर जीडीपी के नंबर्स नंबर के नीचे आते हैं एक दो क्वार्टर के लिए देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल सी रेट कट्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वार्टरली जी डी पी के ऊपर रहते हैं क्वार्टरली जीडीपी के ग्रोथ के नंबर्स तो मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई विल टेक इट्स टाइम टू कट द इंटरेस्ट रेट्स अब देखते हैं कब क्या होता है सो so, ये वर्ल्ड इकोनॉमी की न्यूज थी अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में जिसमें जीएसटी के नंबर्स आ चुके हैं जुलाई मंथ के जीएसटी के नंबर्स काफी अच्छे हैं 1.82 लाख करोड़ का जीएसटी का नंबर आया है जुलाई मंथ के, के, के लिए यानी कि परसेंट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर इन द जुलाई जीएसटी नंबर्स अब जुलाई के जो जीएसटी के नंबर्स होते हैं जून के बिजनेस के होते हैं तो उस हिसाब से काफी अच्छे नंबर्स uh, यहाँ पे आए हैं एंड वी हैव सीन इलेक्शन क्वार्टर आल्सो इन बिटवीन तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन बिटवीन स्लो डाउन हुआ था बट फिर से एक बार ये नंबर्स बढ़ चुके हैं लास्ट मंथ के जो नंबर्स थे जून 2024 दो के दोज वर 1.74 पॉइंट लाख करोड़ रुपीज तो उसके ऊपर ये नंबर आया है लास्ट मंथ का जो ग्रोथ था जीएसटी का वो लेस देन टेन हुआ था वहाँ पे फिर से मतलब वो डिस्कशन शुरू हो चुके थे कंसर्न सामने आ रहे थे बट अब ये नंबर आने के बाद फिर से एक बार होपफुली फुल डिस्कशंस विल स्टॉप uh, जो सर्ज हुआ है टैक्स कलेक्शंस में वो नागालैंड मणिपुर अंदमान निकोबार लद्दाख ऐसे स्टेट्स में भी हुआ है सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन सो इट इज सजेस्टिंग हाइटेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस इंडिया वेरी पॉजिटिव साइन कंजम्पशन का जो जो है वो यहाँ पे होता हुआ हम देख रहे हैं uh, हमने collection देखा था in the month of April, that was lakh crore. तो उसके कंपेरिजन में ये numbers कम बट आई थिंक वो मार्च एंडिंग का नंबर होता है तो उस हिसाब से थोड़ा सा नंबर ज्यादा ही होता है डोमेस्टिक रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो एट पॉइंट नाइन परसेंट से डोमेस्टिक रेवेन्यू जुलाई मंथ में ग्रो हुए है। बट uh, इम्पोर्ट्स पे जो नंबर्स मतलब जीएसटी ने लगा है वो उसकी ग्रोथ जो है वो 14.2 परसेंट की है सो so, इम्पोर्ट्स भी काफी ज्यादा यहाँ पे हो रहे हैं वी कैन नॉट डीनाई दैट सो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगेन आफ्टर द इलेक्शन क्वार्टर इज पिकिंग अप एंड होप वी विल अगेन स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स दी ग्रोथ नंबर्स विच आर प्रडिक्टेड फ्रॉम द जी डी पी पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन अब यूपीआई के बारे में बात करेंगे यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन के अमाउंट है इन द मंथ ऑफ जुलाई वो नंबर है ट्वेंटी लाख करोड़ रुपीज बीस लाख करोड़ रुपए का यूपीआई के टोटल ट्रांजेक्शन हुए हैं दिस इज फेनोमिनल लास्ट तीन महीने मतलब एग्जैक्ट नंबर अगर हम बात करते हैं तो ट्वेंटी पॉइंट सिक्स फोर लाख करोड़ रुपीज सो ये ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो थर्टी फाइव परसेंट की ग्रोथ रही है और अगर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन वॉल्यूम से यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यूपीआई पी ट्रांजेक्शन सो दैट नंबर इज फोटीन पॉइंट फोर फोर बिलियन वन बिलियन इज इज इक्वल टू हंड्रेड करोड़ यानी कि फोर्टीन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर करोर रुपीज़ के सॉरी फोर्टीन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर करोर ट्रांजेक्शन्स यू पे हुए हैं और ये वॉल्यूम बेस पे अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो इट इज़ फोर्टी फाइव परसेंट सो आई थिंक दिस इज़ फेनोमिनल ये जिस तरीके से चल रहा है सो uh, so अगर the, एफ आई एटीन के हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिटेल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं ओवरऑल सौ ट्रांजेक्शन में से छह ट्रांजेक्शन वैसे होते थे बट नाउ इन एफ आई ट्वेंटी फोर सौ में से अस्सी ट्रांजेक्शन आर नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो यू पी आई के तरफ से हो रहे हैं एंड दिस पर्टिकुलर नंबर विल रीच एट नाइन्टी परसेंट बाई एफ आई ट्वेंटी सिक्स आई थिंक दिस इज द मेजर सक्सेस ऑफ NPCI या फिर UPI ये जो एक uh, uh, मतलब डिजिटलाइजेशन uh, हुआ है इंडिया का दिस इज फैनोमिनल वी स्ट्रांगली फील दैट कि ये जो ट्रेंड है ये ग्लोबल मतलब वी विल बी वी आर द लीडर्स एंड वी विल रिमेन द लीडर्स एंड ग्लोबल और वर्ल्ड विल फॉलो अस इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे क्यू वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं नेट प्रॉफिट इज अब बाय 72 परसेंट ईयर ऑन ईयर 5,692 करोड़ रुपीस का ये नंबर यहां पे आया है सिक्वेंशियल अगर हम देखते हैं तो नंबर इज नॉट गुड बट आई थिंक ऑटो इज वन इंडस्ट्री जहां पे हम ईयर ऑन ईयर नंबर्स कंपेयर कर सकते हैं ग्लोबल होलसेल वॉल्यूम्स आर अप बाय टू परसेंट ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर अप बाय सिक्स परसेंट ईयर ऑन ईयर एबिटा मार्जिनोर्टीन पॉइंट फोर परसेंट एबिट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नंबर इज अब बाई टेन परसेंट ईयर ऑन ईयर द नंबर इज एट नाइन थाउजेंड सेवेंटी सिक्स करोड़ रुपीज एबिट मार्जिन इज एट एट पॉइंट फोर परसेंट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर एबिट मार्जिन Uh, profit after tax for this particular quarter is 5,692 crore rupees. last year, same quarter, the profit number was at 3,301 crore rupees. last quarter, the profit, was 17,500 crore rupees. But but usme uh, taxation ka adjustment tha. so i think let's not go into that. but sequentially, revenue ho, ebitda ho, EBIT ho ye, all these numbers are down between 10 to 17 percent. so i think a uh, sequential, uh, thoda sa. Uh, मतलब कंपैरिजन विल नॉट बी राइट ऑब्वियसली वी शुड ऑलवेज लुक एट सिक्वेंशियल ग्रोथ भी रहे बट ये जो ऑटो इंडस्ट्री है थोड़ा सा साइक्लिकलिटी या फिर क्वार्टर uh, वाइज भी साइक्लिकलिटी होती है तो आई थिंक ये ऑल दोज फैक्टर्स विल प्ले इट्स रोल बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो uh, जो जे एल आर बिजनेस है दैट इज़ डूइंग रियली वेल फेवरेबल वॉल्यूम्स आर दे कमिंग देयर मिक्स एंड मटेरियल कॉस्ट इम्प्रूवमेंट्स भी जहाँ पे हुए हैं उसकी वजह से मार्जिन भी इम्प्रूव हुए सो ऑल दोज थिंग्स आर फैक्टर्ड इन तो ये uh, जो चीज़ें है ये काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्कआउट हुई है टाटा मोटर्स के लिए डी मर्जर जो है जल्दी होने वाला है पैसेंजर व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स का तो अगले 12 से 15 महीने में वो सारी चीज़ें हो सकती है द मर्जर ऑफ़ टाटा मोटर फाइनेंस एंड टाटा कैपिटल भी नेक्स्ट नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स में हो जाएगा और जो टाटा मोटर डी के जो स्टॉक्स थे वो एक दो महीने में नॉर्मल टाटा मोटर्स के स्टॉक्स उनको मिल जाएंगे जिनके पास डी के हैं तो ये भी दो महीने में ये सेटलमेंट uh, हो सकता है सो so, ओवरऑल uh, अभी कुछ नई गाड़ियों का लॉन्च भी है सो दैट इज आल्सो एक्सपेक्टेड वेल तो उसका भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा होगा ऐसे एक्सपेक्टेशन आ रही है एंड uh, uh, हमने मैंने टाटा uh, मोटर्स पे काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं जो so मैंने बोला भी था कि ये कंपनी जो है वो 20 से पच्चीस हजार करोड़ रुपए का ईयरली प्रॉफिट जनरेट करने वाली मशीन बन सकती है जल्द ही एंड लुक्स लाइक दोज नंबर्स बी देयर एंड कंसिस्टेंसी विल बी देयर बिकॉज कॉस्ट कटिंग के जो मेजर्स लिए मार्जिन इम्प्रूवमेंट के जो मेजर्स लिए फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने के लिए जो मेजर्स कंपनी ने लिए है आई थिंक ऑल दोज एक्सरसाइज एक्टिविटीज आर बेरिंग द फ्रूट्स विच दे वर एक्सपेक्टिंग एंड देट्स वेरी पॉजिटिव साइन फॉर टाटा मोटर्स मोटर दिस इज वन कंपनी जिस पे अपनी नजर होनी चाहिए एंड uh, बाकी मारुति सुजुकी इज प्रेजेंटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ कंपटीशन थ्रू हाइब्रिड व्हीकल्स बट लेट्स सी आई थिंक टाटा हो या महिंद्राज हो आई थिंक दे आर ऑल्सो इन गुड रेस सेफ्टी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वो प्रेफरेंस बढ़ रहा है डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी ऐसा भी माना जाता है सो लेट्स सी क्या क्या होता है आईडीसी के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं रिजल्ट फ्लैट है, है। प्रॉफिट जो है वो फोर करोड़ रुपीज का है रेवेन्यू जो है वो सेवन से यहां पे बढ़ा है ईयर ऑन ईयर सो अगर पैट का नंबर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द नंबर वाज एट 4903 करोड़ रुपीस वहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस हुए नहीं इंटरेस्टिंग फैक्टर्स क्या-क्या है क्या -क्या? सिगरेट के जो बिजनेस है उसके नेट रेवेन्यू जरा बाय 7% ईयर ऑन ईयर एफएमसीजी अदर्स बिजनेस का जो रेवेन्यू अप हुआ है ईयर ऑन ईयर दैट इज अराउंड 6% एंड uh, अगर uh, uh, होटल्स बिजनेस की बात करते हैं तो दैट पर्टिकुलर बिजनेस का रेवेन्यू इज अप बाय 11% वैसे देखा जाएगा तो रोबस्ट परफॉर्मेंस रहा वेडिंग फ्यूअर वेडिंग डेट्स थे एक्सट्रीम हीट वेव थी इलेक्शन इंपैक्ट था डोमेस्टिक ट्रैवल एंड आउट ऑफ होम डाइनिंग पे तो ये सारे फैक्टर्स थे बट स्टिल होटल के रेवेन्यू रेवेन्यूज आर अप अपलेवन परसेंट सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन एग्री बिजनेस का रेवेन्यू ट्वेंटी से यहाँ पे बड़ा है ड्रिवन बाय वीट हो या वैल्यू एडेड एग्री प्रोडक्ट्स हो या फिर लीव टोबैको हो तो उसकी वजह से ओवरऑल I think, uh, एक पेपर बोर्ड्स पेपर एंड पैकेजिंग ये अगर सेगमेंट छोड़ा गया तो बाकी सारे बिज़नेसेस ने ग्रोथ दिखाई है एग्री बिजनेस इज फ्लैट फ्लैट रहा उसका ओवरऑल एबिट का परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं द इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट आईटीसी जो री रेटिंग हुआ आई का उसका सबसे बड़ा रीजन था एफ एम बिजनेस।, so, बिजनेस के जो मार्जिन स्टॉक को तो री रेटिंग कब हुआ जब ये एबिटा मार्जिन जो थे एफ एमसी ज्यादा बिजनेस के वो टेन परसेंट का नंबर क्रॉस कर रहे थे तो अब यह सस्टेन सस्टेन होता हुआ दिख रहा है टेन परसेंट के ऊपर का एबिटा मार्जिन लास्ट क्वार्टर का जो एबिटा मार्जिन आया है फॉर एफ एम सी जी आदर्श बिजनेस इज इलेवन पॉइंट थ्री परसेंट ट्वेंटी फाइव

कंसिस्टेंट uh, प्ले हो सकता है डिविडेंट कंसिस्टेंट डिविडेंट प्ले भी है हो सकता है सो so, उस हिसाब से uh, इस पर्टिकुलर कंपनी को आपने रडार पे रखना चाहिए अब नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले जिसके भी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं कंपनी का नाम है जोमैटो सो जोमैटो ये कंपनी uh, के रिजल्ट्स आ चुके हैं प्रॉफिट्स मल्टीफोल्ड वैसे ग्रो हुआ है बट आई think we should not focus that much on the multi-fold growth. The number is hardly 253 crore rupees. वैसे देखा जाएगा तो revenue की growth जो है वो 74% year on year यहाँ पे रही है, 18% quarter on quarter growth यहाँ पे revenue में रही है. So uh, I think uh, कुछ कुछ जो सेगमेंट्स से है कंपनी के जैसे कि ब्लिंकिट हुआ दैट इज़ आल्सो परफॉर्मिंग रियली वेल कंपनी का टारगेट था कि 100 स्टोर्स ऐड करने हैं क्वार्टर में बट उन्होंने 113 स्टोर्स ऐड किए तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर स्टोर जो थी वो पहले सिक्स लाख सिक्स लाख रुपीज पर डे थी ना अभी वो ऑलमोस्ट टेन लाख रुपीज पर डे हो चुकी है फ्रॉम थ्री एटी थ्री स्टोर्स लास्ट ईयर टू सिक्स थर्टी नाइन स्टोर्स लिंक के हो चुके हैं फॉर टॉप फिफ्टी स्टोर्स टूडे द रिवेन्यू पर डे इज एटीन लाख रुपीज सो आई थिंक ऑल दीज नंबर्स और ऑल दीज बॉक्सेस आर टेकिंग अप क्वाइट व सो यहाँ अगर uh, जो पावर है इनके पास अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि स्विगी का भी आई शायद जल्द ही आ सकता है तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है सो so, एक डियो जो है तो मतलब इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी तो वो भी बढ़ा देते दूसरे दिन तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग है एंड नाउ जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी इनके तो उन्होंने बोला है कि भाई नाउ प्रॉफिटेबल होना है और सस्टेनेबल सस्टेने सस्टेन सस्टेन, रह, सस्टेन करना है ये प्रॉफिटेबिलिटी को तो उस हिसाब से ये सारे फैक्टर्स हो रहे हैं आदत लगा चुके हैं ये प्लस ब्लिंकी के तरी तौर पे अगर हम देखते हैं तो यह एक ऐसा बिजनेस माना जा रहा है जो ज़ोमेटो का जो फूड ऑर्डरिंग का बिजनेस है उससे टेन टाइम्स ज्यादा वो जै वैल्यू जनरेट कर सकता है ग्रोथ के नंबर्स में भी अगर हम देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जहाँ पे जोमैटो का ग्रोथ 10 परसेंट का है वहाँ पे ब्लिंकिड का ग्रोथ 22 25 30 परसेंट तक भी हो सकता है मतलब ऑलरेडी 22 परसेंट हो रहा है एंड द एक्सपेक्टेशंस आर दैट इट विल ग्रो एट ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट ऑल्सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स आई थिंक दे विल वर्क आउट फॉर सम टाइम दर इज़ नो डाउट अबाउट दैट दे विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन आर ऑर्डरिंग थाट uh, प्रोसेस uh, तो वो कन्वीनियंस जिस तरीके से वो प्रोवाइड कर रहे हैं सो वो एक आदत लगा लगा रहे हैं हमें एंड दैट पर्टिकुलर हैबिट इज एक्चुअली देयर मतलब एक एक, एक जो कोर कॉम्पिटेंस है उनका वो uh, है उनका एंड ठीक है मतलब देर इज नथिंग रॉन्ग आल्सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग सो ये जो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं ना जो मोड्स होते हैं ना तो ये एक अर्निंग विजिबिलिटी भी देते हैं और ग्रोथ पोटेंशियल भी बताते हैं एंड दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ कंपनीज शुड बी ऑन योर रडार आई नो लॉर्ड ऑफ फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम वी गॉट क्रिटिसाइज फॉर जोमेटोज कवरेज सो एंड बी डिड नॉट नो कि मतलब इस तरीके से ये कंपनी इतने शॉर्ट फेज में परफॉर्म करेगी बट uh, जब ब्लिंकिट uh, का भी एक्विजिशन हुआ था तो अच्छा खासा मतलब यहाँ पे क्रिटिसिजम भी हुआ था कंपनी को ऑब्वियसली आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट वी माइट बी इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चनिंग बट ओवरऑल हम वी वर क्वाइट पॉजिटिव ऑन द जोमैटो बिजनेस फ्रॉम द सेम एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू कन्वीनियंस बट आई थिंक ब्लिंकिड इज ऑल्सो प्लेइंग आउट रियली वेल उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो आई थिंक दैट इज आल्सो बहुत ही एक विन विन सिचुएशन काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे डेवलप हुई है फॉर जोमैटो सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी टू वॉच जो ग्रोथ नंबर्स कंपनी रिपोर्ट कर रही है दोज आर फेनोमिनल नंबर्स एंड नाउ द प्रोफिटेबिलिटी नंबर्स आर ऑल्सो कमिंग अप सो एक रुपये के प्रॉफिट बढ़ा एक एक रुपए के प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने से दो सौ दो सौ ढाई ढाई सौ करोड़ रुपये का प्रॉफिट जनरेट हो सकता है क्वार्टरली Uh, so वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए इस पर नजर रखनी चाहिए आपने और एक कंपनी है जिसका रिजल्ट्स आए कल्याण ज्वेलर्स क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए नेट प्रॉफिट इज अप बाय 24 परसेंट परसेंट प्रॉफिट नंबर इज एट 178 करोड़ रुपीस रेवेन्यू इज अप अपी 27 परसेंट सो रेवेन्यू का नंबर जो है ईयर ऑन ईयर Uh, 27 परसेंट से ग्रो हुआ है तो रेवेन्यू इज uh, एट 5535 करोड़ रुपीस ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 793 करोड़ रुपीस का रहा इस क्वार्टर का 20 परसेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी एबिटा प्रा, एबिटा नंबर इज एट 376 करोड़ रुपीस 16 परसेंट की ग्रोथ थी एंड प्रॉफिट इज एट हंड्रेड करोड़ रुपीज ट्वेंटी परसेंट की यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है so, overall, I think this is one, uh, Uh, जो हर एक uh, ज्वेलर ज्वेलरी का बिजनेस चल रहा है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज हो रहा है अर्लीयर टाइटन वाज गेटिंग दैट प्रीमियम वैल्यूएशन बट नाउ आई थिंक ऑल दीज कंपनीज आर गेटिंग दैट ट्रैक्शन फ्रॉम दी इन्वेस्टर्स अब देखते हैं कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो वो आई थिंक दैटर बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत जबरदस्त रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सो so वो भी एक रीजन था कि वाई द स्टॉक प्राइसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर हैज डन रियली वेल बाकी दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दू कल यानी कि थर्ड ऑफ अगस्त दो हजार चौबीस को हम एक सेशन ले रहे हैं ऑन वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग तो वो सेशन अगर आपको अटेंड करना है तो उसका जो लिंक है सेशन अटेंड करने का सीट बुक करने का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो उस पर क्लिक करके सेशन अटेंड कीजिएगा एंड ये जो सेशन रहेगा ये इन्वेस्टर्स के लिए तो यूजफुल रहेगा ही बट इवन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स जो कुछ अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो एक ऑनलाइन एम प्रोग्राम अंडर यू जी सी वी आर लॉन्चिंग विथ चितकारा यूनिवर्सिटी सो अगर आप उस प्रोग्राम को के बारे में भी समझना चाहते हो तो उसके बारे में भी कुछ डिस्कशंस वहाँ पे होने वाले हैं आशा करूंगा आप जरूर हमें ज्वाइन करोगे ऑन थर्ड ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों जय हिंद